हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर मालपुआ की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो गेहूं का आटा ले सकते हैं। और 1 कप मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक घोल बना के तैयार करेंगे। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका घोल बना के तैयार करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, घोल बन गया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो अब हम मालपुए की चाशनी बनाएंगे। इसमें मैंने 2 कप चीनी ले ली है और 2 कप इसमें पानी डाल देंगे। और इसको पकने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। उसमें इलायची और नींबू का रस डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। चिपचिपी चाशनी तैयार होनी चाहिए, इसमें कोई तार नहीं बनाना है। तो चाशनी बन गई है, गैस को बंद कर देंगे। और इधर मैंने पैन पे घी गरम किया है और घी में आप जितना बड़ा मालपुआ बनाना चाहे उतनी बड़ी कलछी लेके उसमें मालपुए डाल दें। इसी तरह से ये अपने आप फैल जाएंगे, इनको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये एक तरफ अच्छे से पक गए हैं। अब हम इनको पलट के दूसरी तरफ भी पका लेंगे। अब हम इनको एक तरफ कर देंगे और इसमें एक कलछी और बैटर डाल देंगे, जिससे ये जल्दी से बन जाएगा। और इसको भी हम पकने देंगे। तो ये देखिए, ये वाला भी पक गया है एक तरफ से। अब हम इसको भी पलट देंगे और उन दोनों को निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह से सारे मालपुओं को बना लेंगे। तो ये देखिए, ये वाला भी पक गया है। अब हम इनको चाशनी में डालेंगे। तो इनको गरम गरम ही हम चाशनी में डाल देंगे, जिससे ये अच्छे से चाशनी को अब्सॉर्ब कर सके। तो ये देखिए, मैंने दूसरा बैच भी बना लिया है। और हम अब पहले वाले को चाशनी से निकाल लेंगे और दूसरे वाले को चाशनी सोक करने देंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे मालपुए बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया है और थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये टेस्टी से मालपुए बनके तैयार हो गए हैं। ये देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं और खाने में एकदम मुलायम है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।